नीचे भाड़ा लगा रखा है माता श्री का। भी लग चुका है मेरा, सर्दियों का जुगाड़ हो रहा है ना। अभी ठंड ऐसी है तो ये दिसंबर और जनवरी में क्या ही ठंड रहेगी। घर की चलते हैं हम घर की ओर। चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भाड़े की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बाजार गए हुए बालक, स्कूल गए हुए बालक, सब ऊपर की ओर। विक्रम की छुट्टी हो गई है खत्म, परसों जा रहा है अभी तो। अगर चौकटे रोल में जे हिसाब है रेल से। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने व्लॉग में। दगड़ियों काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी। आजकल आपको पता है कि मौसम बदल रहा है, बदल के बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है, जिस कारण मेरे को जो है 2-3 दिन तो प्रॉपर बुखार रहा। और जैसे ही बुखार ठीक हुआ तो गले में थोड़ा टॉन्सिल टाइप जो है बढ़ गया था, जैसे पीछे भी एक बार मैं 1-2 महीने पहले बीमार हुआ था, तो सेम वही वाली स्थिति हो गई थी। बाकी अभी थोड़ी सी हालत ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर। माता श्री ने जो है हमारा जो ऊपर बाड़ा है वहाँ पे लकड़ियाँ एकत्रित की हुई हैं, तो उन लकड़ियों को लेके आना है मुझे। बाकी आप जिस हिसाब के मैंने कपड़े पहन रखे हैं अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना भयंकर जो है मौसम चल रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्या बताएं। इतनी मोटी जो है मैंने जो हुड पहना हुआ है और साथ में जो ये टावल है ये पीठ पे लगाने के लिए, ताकि लकड़ी की वजह से ये हुड ख़राब ना हो। कई बार लकड़ी का कोई हिस्सा इसमें अगर घुस जाएगा तो वो फाड़ देगा हुड को, तो उससे मतलब सुरक्षा के लिए ये इंतज़ाम किए हुए हैं। चलिए फटाफट चलते हैं ऊपर, माता श्री कर रही है इंतज़ार, और फिर दिखाता हूँ कि कितना बड़ा भाड़ा है और किस तरीके से लाना है। बाकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है, चल ही रही है हल्की फुल्की। चलिए सीधा मिलते हैं अब आपको ऊपर, वहाँ पे अच्छी खासी धूप भी है। यहाँ तो क्या बताएं, इतना ठंड लग रहा है ना। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से यहाँ धूप ही नहीं पहुँचती है सर्दियों में। वेरी गुड वेरी गुड। ना ना लाख लाख नहीं होने वे। हो आराम से आराम से। और देखो रास्ते में मिले हैं बताई जी और भाभी जी, दोनों घास लेके आ भी चुके हैं वापस। तो दगड़ियों ये मैं पहुंच गया हूँ अपने बाड़े में। ये कुछ लकड़ियाँ आपको यहाँ दिख रही है, एक नीचे भाड़ा लगा रखा माता श्री ने, और इधर है सामने गांव हमारा। तो ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर की दूरी पर आया हूँ, तो ये लग रहा है मेरे लिए भाड़ा, और इसी को लेके जाना है मुझे नीचे। तो दगड़ियों भाड़ा भी लग चुका है मेरा, और आगे आपको हल्की सी घास दिख रही होगी, वो थोड़ा सा यहाँ पे चुभे ना लकड़ी, उसकी व्यवस्था की है माता श्री ने। तो दगड़ियों ठीक है, सर्दियों का जुगाड़ हो रहा है ना। अभी ठंड ऐसी है तो ये दिसंबर ख़त्म होने और जनवरी में क्या ही ठंड रहेगी, उसके लिए लकड़ियाँ एकत्रित की जा रही हैं। और हम लगाते हैं बड़ा भाड़ा, घर क्यों हूँ। हाँ अब ठीक हूँ। तो दगड़े सा जानी चाहिए ना ऐसे करके, ये चल पूरा को मजा लो को मतार को ने ये अब न कुछ है ये बजाए दनो ये अब न कुछ खेले रोड और तो खंदो गया तो बता खाने को अरे ये सब ये बजाए दनो गो को नहीं जाए हम बे ये पल बाटा के बाटा हम ने मोड़ दो जान बाट के हैं ये बाट जान ना धारे कटियो ये बाट जान मर बाट ये अब मैंने बहुत सी मर बाट जो आ तो तार वाला ने मर लिया तो दगड़ियो भाड़ा मेरा हो गया है तैयार, अब चलते हैं हम घर की ओर। अभी तक ठंड लग रही थी। ये भाई छोटी नहीं के एल क्यों फूटा ना तुम एल क्यों फूटा। तो दगड़ियों हुआ ऐसा है ना,
तार है यहाँ पे देखो ये वाली तार। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ठीक है। अभी भरो ठोपड़ दोबारा है जी। तो ऐसी ऐसी घटना भी हो जाती है। अब हमने क्या कर रखा था, जो बाहर मैंने लगा रखा था वो नॉर्मली मैंने बाहर से लगा रखा था, मतलब हम बोलते हैं इसको बाहर वाला काख। अगर ये ऐसे मैंने अंदर से डाला होता और अगर मैं गिरता तो ये भारा मेरे सर पे गिरता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि भाई भारा बिहार काख बोले ना, हमें बिहार काख बड़ा फायदा ये कि अगर आप गिरते भी हो तो आपकी सुरक्षा बस कोई नहीं भारू जाती, मतलब आपकी सुरक्षा आपके पास रहती है। देखा आपने मैं गिरा और भारा झटक गया, तो ये फ़ायदा होता है बाहर काख लगाने का। इनकेस ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कहीं आपका पांव फंस गया, कहीं कुछ हो गया, तो सट से भारा आउट और आप बिल्कुल सेफ। हाय हाय शुक्र है वो ज़्यादा नहीं फंसा पांव में, खून नहीं निकाला उसने, हल्का सिर्फ उसने ऊपर की जो परत है उसको उसने उधेड़ा है। मतलब अब इस चक्कर में हुआ क्या है कि पूरा भारा मेरा टेढ़ा हो गया है, दोबारा माता श्री का काम बढ़ा दिया है मैंने। गेंद जन है हो गया है तैयार। देखो ये तार लगा रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जानवर अंदर आ जाते हैं तो घास को बचाने के लिए तार लगा रखा है। चलो अब उठाते हैं, ढंग से चलते हैं यहाँ से नीचे। अभी तो निकल गया हूँ जय श्री राम। वो तो घुमाओ लड़की है, चल ठीक है ओके okay. हाँ आराम से जोड़ी में, अब तो चलो रास्ता अपना ही है जैसा भी है। कम खो में थोड़ा नहीं खो में भारा इधर उधर लगना चाहिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि इधर उधर लग गया फिर जो है ढसाक मारेगा और ढसक कर फिर समस्या होती है। अब तो चलो चौड़ा रास्ता है, लेकिन जितना सजिल काख सबसे पहले लगा था वो वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन क्या करें गिरे इतनी बुरी तरीके से कि भारे का बिल्कुल जो उसकी पसलियां थी इधर उधर हो गई थी, तो उनको बिल्कुल सिस्टम में लाने के लिए ज़्यादा समय लगता, तो बढ़िया व्यवस्था कर दी है माता ने फिलहाल। चलिए फटाफट इसको घर रखता हूँ यार, पहले तो ये जिम्मेदारी है। तो दगड़ियों जंगल वाला रास्ता हो चुका है ख़त्म, अब मैं पहुंच गया हूँ नब्बू लोगों के गौशाले के समीप। और दिक्कत ये हो गई है ना, ये भारा जो है इतना बिखर गया है कि ये बिल्कुल फिसल के मेरे कमर से नीचे चला गया है, मतलब बहुत ढीला हो गया है। पर थोड़ा सा सफ़र और है, 100 मीटर रह गया है यहाँ से घर तक। इसको थोड़ा सेट करता हूँ पहले मैं, है ना, थोड़ा सेट हो जाए। आ गया, हाँ अब ठीक है, कमर पे आ गया। चलो फटाफट चलते हैं, अब इस साइड को राइट साइड को ज़्यादा वो कर रहा है, ज़्यादा जोर लगा रहा है, क्योंकि उस साइड को ज़्यादा हो गया होगा। इस साइड मतलब एक साइड को फिसल गया है ना, ये देखो इस साइड लग रहा है ना, बस घर तक पहुँच जाए ऐसी हालत में। गिरे ना, क्योंकि इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भारे की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है दगड़ियों, सारा इस साइड को नीचे आ गया है, राइट साइड को सारा फिसल गया है भारा। चलो बाखली में तो पहुंच गया हूं मैं अपने, थोड़ा सा और साथ दे घर तक पहुंच जाए तब जाकर इसको रख देंगे। दादी मणि वो लेके लाख लेके आना, लक्ष्मण मलबे देखो
पूरी तरीके से एक साइड को लड़ गया है बाल भारा, और अभी तक सर्दी जुकाम था सब गायब, पसीना इतना ज़्यादा हो गया है क्या बताएं। इसको यहीं पे यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रास्ता ब्लॉक करेगा ये लोगों का, इसको यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए आप, सारा इस तरफ को आ गया था, इस तरफ कहीं नहीं रह गया था। चलो दौड़े घर पहुँच चुका हूँ, पसीना इतना भयंकर हो गया है, इतना भयंकर आ गया है क्या बताएं। अभी तक बोल रहा था मैं खांसी है, अभी वो पसीने उसकी वजह से सब कुछ गायब हो गया है, ना खांसी बची है ना कुछ। चलो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिर स्नान करेंगे, फिर अच्छी खासी धूप लगी हुई है आज, उस धूप का आनंद लेंगे। अगर 3-4 दिन आप लेटे रहो ना बिस्तर में, उसके बाद कोई भी आप गतिविधि करो बहुत समस्या होती है। और 2-3 दिन तो मेरे ऐसे हालत थे बुखार की वजह से, पूरा सर ही टूट रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी। चलो ये कार्य निपट गया, थोड़ा सा पसीना सूखने देता हूँ, उसके बाद करता हूँ स्नान। तो दौड़ियों शाम के 3 बज रहे हैं और 11 बजे करीब हम ऊपर से लकड़ी लेके आए, उसके बाद स्नान वगैरह किया, भोजन वगैरह किया, आराम किया, और अब मैं जा रहा हूँ गैसेंड की ओर। तो पिछले 1-2 हफ्ते से यही रूटीन है, 1-2 दिन के लिए घर आ रहे हैं, फिर गैरसैंड, गैरसैंड से घर, घर से गैरसैंड। और इसका कारण ये है कि हमारी धर्मपत्नी प्रियंका गैरसैंड में ही है, और उनके गैरसैंड में रुकने का कारण ये है कि अभी डिलीवरी का सीन चल रहा है, तो जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक जो है उनको गैरसैंड ही रखा गया है। क्योंकि आपको पता है गाँव एक तो हमारा सड़क से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ऊपर से जंगल का रास्ता है, और अगर लेबर पेन रात को हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन में हो जाती है जहाँ से उनका जो है चल पाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर यहाँ से लेकर रोड तक उनको ले जाना बहुत ज़्यादा जो है समस्या वाली बात हो सकती है। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया कि उनको गैसेंड, जो हमारा मकान है गैसेंड वाला, वहाँ पर चाची लोग रहते हैं तो उनके साथ वहीं पर रह रही हो, तो बस उसी के लिए मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ, कुछ कपड़े लेके जा रहा हूँ उनके लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल गैसेंड की ओर निकल रहा हूँ, टाइम 3:10 हो गए हैं, धूप लगभग गांव से जा चुकी है। चलिए फटाफट करते हैं यहाँ से मालकोट तक का सफ़र, फिर मालकोट से जाएंगे गैरसैंड। तो फिलहाल एक बार मैं देख लेता हूँ कि कोई सामान वगैरह तो नहीं छोड़ गया, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा रहा घर आने का। तो दौड़ियो सब कुछ पैक हो चुका है, अब करते हैं यहाँ से मालकोट तक की यात्रा। चल मैं जॉनिश है हो गया, चलो ओके मैं जाता हूँ, चलिए फटाफट करते हैं यहाँ से मालकोट तक का सफ़र। हाँ ठीक है ठीक है ओके। तो दौड़ियों स्कूल के समीप पहुँच चुका हूँ मैं, और ये बाजार गए हुए बालक, स्कूल गए हुए बालक सब ऊपर की ओर लगे हुए हैं। यहाँ क्यों बड़े जी? अच्छा ये मिस कर जाऊँगा मैं, ये कल खोने शर्म जानी है। तो दौड़ियों स्कूली बालक अब घर की ओर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से गैस है। बाकी विक्रम की छुट्टी हो गई है खत्म, परसों जा रहा है अभी तो 1-2 दिन। चल परसों भी नहीं मिल रहा मिर्चूरी बाजार में घूमने से, चलो अगर चौकटे रोल हिसाब है ठीक से। चलो टेक केयर, फिर अब ये जा रहे हैं घर की ओर। परसों फोन कर दे बहुत अम्मी कॉल, परसों बाट मिल जोल के बता छुट्टी का खत्म हो गई है। चलो ओके ओके साहब ठीक है, चलो रहे ओके बाय बाय बालको। तो दौड़ियो मालकोट से गैसेंड तक का सफ़र हो गया है प्रारंभ, और शाम के 5 बज रहे हैं, करीब 1 घंटा हम स्कूल में बैठे रहे। तो विक्रम भाई की छुट्टी भी हो चुकी है ख़त्म, कल का दिन है उनके पास, परसों वो यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से उनकी जो है आगे की फ़्लाइट है, वो नॉर्थ ईस्ट साइड जो है अभी पोस्टेड है। तो ऐसा ही रहा, इस जो 1-1.5 महीने की छुट्टी वो आ रखे थे पहले 10-15 दिन, तो उनकी वाइफ की डिलीवरी के चक्कर में हम घूमते रहे, उसके बाद फिर जो है प्रियंका की डिलीवरी जो है आने वाली है, तो उसी चक्कर में मैं व्यस्त रहा। प्रियंका को जो है हमने गैरसैंड शिफ्ट किया हुआ है, तो फिर वहीं पे आना जाना लगा रहता है, और बीच में फिर तबीयत भी ख़राब हो गई है ना, तो ऐसे ही कुछ चलता रहा। तो दौड़े महलचोरी पहुंच चुका हूं मैं, और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और अब तो टैक्सी स्टैंड भी बिल्कुल खाली हो चुका है। समय 5:17, करीबन 15 से 17 मिनट लगे हैं हमको मालकोट से महलचोरी आने में। ये देखो जिस महलचोरी के बाज़ार में दिन में गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, अभी बिल्कुल सुनसान हो गया है, बहुत ही शानदार। चलो भाई फटाफट चलते हैं, अब करीबन 1/2 घंटा यहाँ से और लगेगा हमें
आधा पौना घंटा गैस घर पहुंचने में। तो दगड़ियो पहुंच चुका हूं मैं गैरसैंण कोलियाड़ा बैंड में। अब चलते हैं यहां से नीचे, गाड़ी पार्क कर दी है। थोड़ा आजकल गाड़ी पार्क करने में समस्याएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियां होंगी हैं। ये चाचा श्री की गाड़ी खड़ी आगे, ये दूसरे पड़ोसी की और ये मेरी गाड़ी। तो दगड़ियो पहुँच गया हूँ मैं कमरे के पास। हेलो, दरवाज़ा खोलो। ओ मिस्टर, और माही सिंह क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी तबीयत है? ठीक है। ओ गुंडे, क्या हाल है भाई, क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहुंच गया हूँ रूम पे, अब थोड़ा करते हैं रेस्ट, है ना। ये भाई अंधेरा हो गया, ठंड बहुत बढ़ गया भाई, पापा ठंड से कांप गए हैं। तकड़े हम कांप गए हैं।